एडवांस जार्विस प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल का ये पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक हमने जार्विस से 35 कमांड्स एग्जीक्यूट करवाना सिखाया, वो भी 260 लाइंस ऑफ कोड में, जो कि बहुत ही ऑसम है। एंड आगे हम जार्विस को और भी एडवांस बनाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम जार्विस के थ्रू कैसे माउस एंड कीबोर्ड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सिखाने के लिए हम जार्विस को साइड में रखते हैं एंड एक नया फाइल तैयार कर लेते हैं। नया फाइल क्यों? मुझे आप लोगों को सिखाने के लिए हर एक लाइन रन करके दिखाना होगा। अगर हम जार्विस में ये रन करते हैं हर एक लाइन, तो मुझे जार्विस पहले इनिशियलाइज होगा, देन मुझे ये बोलेगा रेडी टू कम्प्लाई, व्हाट कैन आई डू, गुड मॉर्निंग भी बोलेगा। उसके बाद वो सुनेगा, मुझे एक क्यूरी देना पड़ेगा एंड वो मैं जो बोलूंगा उससे ये क्यूरी सेटिस्फाई होना है। उसके बाद वो रिकॉग्नाइज करेगा, देन वो मुझे ये कोड्स रन करके देगा। तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं अलग से यहाँ पे कर रहा हूँ। देन यहाँ पे प्रोग्राम रेडी हो जाने पे हम जार्विस के अंदर इंप्लीमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें पाई ऑटो जीयूआई को इंपोर्ट कर लेना है। एंड और एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है जो कि है टाइम। तो सबसे पहला कमांड है प्रिंट पाई ऑटो जीयूआई डॉट साइज। इससे क्या होता है, इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। इससे क्या होता है हमारा डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाता है। अभी हमारे माउस कर्सर का जो पोजीशन होता है इसको हम प्रिंट करवाएंगे। तो देख सकते हो ये एज इट इज मेरा माउस का जो पॉइंटर यहाँ पे था इसको ही प्रिंट करा दिया। अगर हम चाहते हैं कि हम इस पोजीशन में माउस को लाके इसका पोजीशन क्या है हम वेरीफाई करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सेकंड के लिए यहाँ पे प्रोग्राम को स्लिप करवा रहे हैं, मतलब ये डिस्प्ले का साइज बताएगा, देन एक सेकंड वेट करेगा, देन माउस का पोजीशन बताएगा। तो देख सकते हो कि मैंने माउस का पोजीशन यहाँ पे एक सेकंड में यहाँ पे लाया था मैं कर्सर को, एंड वो इसका पोजीशन यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। ये हमें बाद में जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं आपको दिखा दिया। अभी आते हैं कि हम अगर माउस कर्सर को कहीं मूव करना चाहते हैं तो कैसे हम मूव करवा सकते हैं। इसके लिए तो चलो मुझे बार बार पाई ऑटो जीयूआई लिखना पड़ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, एस पाई कर दिया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम लिखेंगे पाई डॉट मूव टू, देन हम लिख देते हैं 100, तो बहुत ही कम हो जाएगा, 300 कर देते हैं हम, 300 कर दिया, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। तब देख सकते हो मेरा माउस का कर्सर जो है यहाँ पे आ गया, बहुत ही तेजी से आ गया, हमें दिखाई नहीं दिया। तो हम क्या यहाँ पे थोड़ा सा डिले लगा देंगे, मतलब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक लगा दिया, मतलब ये ड्यूरेशन होता है, मतलब कितना टाइम में ये यहाँ तक आएगा, मतलब एक सेकंड में, मैंने यहाँ पे एक लगाया मतलब एक सेकंड में आएगा। तो आप देखते हैं, अब देखना ये देखो ये एक सेकंड तक यहाँ पे आया है। अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूँ, मैं इसको दो करके दिखाता हूँ आपको, ये और भी स्लो आएगा। आप देख सकते हो ये बहुत ही स्लोली आ रहा है। ये हो गया मूव टू, मतलब इससे क्या होता है, माउस कर्सर मूव होता है लेकिन एक पोजीशन में मूव होता है। अगर आप चाहते हो कि मेरा माउस पोजीशन शायद समझ लो कि यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ कि इसके रिलेटिव 300, 300 कर्सर मूव हो, मतलब 300 ऐसे एंड 300 ऐसे, मतलब यहाँ पे मूव हो, यहाँ से 300 ऐसे नहीं, ये 300 मूव हो रहा है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक मूव हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कर्सर का पोजीशन है वहाँ से 300 मूव हो, ठीक है। कर्सर का पोजीशन सेट करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, इसके लिए मैं यहाँ पे एक सेकंड का टाइम ले लूंगा, देन यहाँ पे लिखूंगा मूव रियल। क्या होता है मूव रिलेटिव, मतलब आपका जो कर्सर का प्रेजेंट पोजीशन है इसके रिलेटिवली आपका माउस मूव होगा। इस लाइन को हटा देते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं
300, 400 एंड ड्यूरेशन 1 सेकेंड। अभी हम इसको रन करवा के देखते हैं। मेरा माउस पर देख सकते हो कि माउस का कर्सर यहाँ से, मैंने यहाँ पे सेट किया था, यहाँ से यहाँ तक आया। तो अभी ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, हम इसको स्क्रॉल करवा सकते हैं। देख लो ये मेरा 60 में है, ठीक है, 60 लाइन में है। मैं यहाँ पे आके इसको छोड़ दूंगा एंड ये थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा। इसके लिए मुझे 2 सेकंड टाइम लग चाहिए होगा। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्क्रॉल एंड देन 300 स्क्रॉल कराते हैं, ठीक है, एंड थोड़ा सा टाइम लेके कराते हैं 1 सेकंड में। चलो इसको मैंने रन कर दिया एंड यहाँ पे आके सेट कर दिया। तो कैसे ये हमें दिखा रहा है कि एटीट्यूड अच्छा, ठीक है, मैंने स्क्रॉल स्पेलिंग भूल लिखा है। अभी देख सकते हो ये स्क्रॉल कर रहा है, 60 था 51 तक आ गया। फिर से हम देखते हैं और एक बार रन करा के, इसके यहाँ पर रन करा के यहाँ पर। अभी आप देख सकते हो ये फिर से 10-10 करके स्क्रॉल हो रहा है। अभी आते हैं क्लिक करवाना, हम माउस से क्लिक भी करवाते हैं। ये हम देखते हैं क्लिक कैसे करवा सकते हैं। इसका हम ऐसे लिख सकते हैं क्लिक, देन हम अगर क्लिक करवाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्री ऑन हो गया है। यहाँ पे ये बता रहे हैं पहले हमें एक्स एक्सिस का पिक्सल देना होगा कि हम कहाँ पे क्लिक करवाना चाहते हैं। यहाँ पे हमें पाथ देना होगा, ठीक है। पहले ये कह रहा है कि हमें एक्स इक्वल टू देना होगा। एक्स इक्वल टू मतलब हम समझो कि हम कहाँ पे करवाना चाहते हैं। हम शायद यहाँ पे राइट क्लिक करवाना चाहते हैं, मतलब ये ऐसे लिस्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करवाना चाहते हैं। यहाँ पे अगर राइट क्लिक करवाना चाहते हैं तो पहले हमें इसका यहाँ का माउस का कर्सर का पोजिशन चाहिए होगा। पोजिशन हम गेस कर सकते हैं कि ये कितना पोजिशन होगा। ये अगर 1920 होता है तो ये शायद 1200 के आसपास होगा। एंड ये हाइट कितना होगा, ये अगर 180 होता है तो ये हाफ होगा, जो कि होता है 540, या फिर हम 500 ही ले लेते हैं कि 1500, ठीक है। तो हम लिखते हैं x इक्वल टू 1000, y इक्वल टू 500, देन क्लिक्स इक्वल टू 1, क्योंकि हम एक ही क्लिक करने वाले हैं, राइट क्लिक, देन इंटरवल इक्वल टू 0, क्योंकि हम एक ही क्लिक कर रहे हैं तो हम इंटरवल का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम अगर दो क्लिक करते हैं तो हम इंटरवल दे सकते हैं कि एक क्लिक होने के बाद थोड़ा सा टाइम, समझ लो कि हम 1 सेकंड दे दिया कि एक क्लिक होने के बाद 1 सेकंड वेट करेगा देन और एक क्लिक करेगा। तो यहाँ पे हमें इंटरवल की कोई जरूरत नहीं है। एंड अभी हम डिफाइन करेंगे बटन, जो कि होगा राइट। अभी हम इसको रन करवाते हैं। अब देख सकते हो कि ये राइट क्लिक कर रहा है। अभी हम और एक काम कर सकते हैं जो कि है ड्रैग। यहाँ पे लिखते हैं ड्रैग, यहाँ पे भी मूव टू एंड मूव रेल के जैसे ड्रैग टू एंड ड्रैग रेल है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ ड्रैग टू एंड इसके अंदर हम लिखते हैं 300, 300 एंड 1 सेकंड टाइम देते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या करता है। तो देख सकते हो कि ये ड्रैग कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ये ड्रैग कर रहा है, ठीक है, ड्रैग टू में ये ड्रैग कर रहा है, ठीक है। अभी हम देंगे ड्रैग रेल, अभी हम देखते हैं कि ये क्या करता है। अभी आप देख सकते हो कि पिछले वाले में हम अगर 300, 300 दे रहे हैं तो वो यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर रहा है। अगर हम ड्रैग रिलेटिव देते हैं तो वो क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक करवाता है। लेकिन क्यों ड्रैग टू जब देते हैं तब वो 300, 300 पिक्सल तक ड्रैग करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट तक, ये जो 300, 300 पॉइंट है वो यहाँ तक ड्रैग करता है। मतलब मेरा माउस का कर्सर यहाँ पे था तो वो यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जहाँ पे हमारा माउस का कर्सर हो वहाँ से 300 एंड 300, मतलब यहाँ तक वो ड्रैग करे, तो हमें ड्रैग रिलेटिव यूज करना है। तो इससे हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। ये हमारा विजुअल स्टूडियो यहाँ पे, हम चाहते हैं कि वो विजुअल स्टूडियो को ड्रैग करके यहाँ पे जाके रख दे। अब वीडियो पॉज करो एंड मेरा इस क्वेश्चन का जवाब दो कि
ये प्रोसेस करने के लिए हम ड्रैग टू यूज करेंगे कि ड्रैग रेल यूज करेंगे। अब वीडियो को पॉज करो एंड सोचो। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैं बता देता हूँ कि हम यहाँ पे ड्रैग टू यूज करेंगे, क्योंकि ड्रैग रिलेटिव क्या होता है, मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पे है, तो ड्रैग रिलेटिव क्या करेगा, अगर हम देते हैं कि 300,300 तो वो यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करवाएगा। हम यहाँ पे एक पिक्सल कोऑर्डिनेट देंगे कि यहाँ तक ले जाना है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ pi.drag2, देन हम लिखेंगे इसका लोकेशन, इसका लोकेशन कितना हो सकता है, ये तो 1920 है, तो ये हम 1910 लिख देते हैं, 1910 कॉमा कितना होगा 5, देन एक सेकंड का टाइम दे देते हैं एंड करते हैं प्ले, देखते हैं क्या होता है। पहले माउस कर्सर जाएगा इसके ऊपर, देन इसको, हाँ तो ये हो गया हमारा काम। एंड अगर आप ये ट्यूटोरियल फर्स्ट देख रहे हो एंड पिछला 4 ट्यूटोरियल आप नहीं देखा, तो आपको ये पायोटा जीयूआई के बारे में नहीं पता होगा एंड इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे टर्मिनल में लिखना है पीप इंस्टॉल, पीप स्पेस इंस्टॉल स्पेस ये पायोटा जीयूआई लिख देना है, तो आपको ये इंस्टॉल हो जाएगा। एंड कुछ लोगों ने कमेंट में मुझे ये पूछा था कि पीप का फुल फॉर्म क्या होता है, पीप का फुल फॉर्म होता है प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। एंड किसी ने पूछा था जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अभी हम माउस को तो कंट्रोल कर सकते हैं, अभी हम कीबोर्ड को कंट्रोल करना सीखेंगे। इसके लिए हमें कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई भी की प्रेस करवाना होगा तो हमें सिंपली लिखना है pi.press, देन हम कोई भी की प्रेस करवा सकते हैं, जैसे हो गया विन, सॉरी इससे क्या होगा दिखाई देता हूँ क्या होगा, अब देख सकते हो कि ये विंडोज वाला जो बटन होता है, ये होता है विन बटन, इसको इसने प्रेस करवा दिया। समझना, हम कुछ कॉपी पेस्ट करवाना चाहते हैं यार इससे, तो हम क्या करेंगे कि हमें कंट्रोल सी प्रेस करवाना होता है, तो अगर आप ऐसे लिखोगे कि pi.ctrl, सॉरी प्रेस लिखवाना भूल गया, प्रेस ब्रैकेट के अंदर होता है ये, समझ लीजिए कंट्रोल हो गया, देन आप लिखते हो कि कंट्रोल सी, मतलब सी इससे क्या होगा, ये पहले कंट्रोल प्रेस करेगा देन सी प्रेस कर देगा, कंट्रोल प्रेस करके सी नहीं प्रेस करेगा, ये पहले कंट्रोल बटन को प्रेस करेगा देन सी को प्रेस करेगा। इसके लिए हमें क्या यूज करना है, इसके लिए हमें ऐसे लिखना है इसको pi.keydown, इससे क्या होगा ये की को प्रेस करके होल्ड करेगा। ठीक है, अब कैसे लिखना है इसको, पहले अभी लिखना है ctrl, देन इसको अगर आप रन करोगे तो वो कंट्रोल को प्रेस करके पकड़े रहेगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ऐसे सिंपली लिख देना है प्रेस सी, तो अभी ये प्रेस होगा कंट्रोल सी, अभी उसके बाद आपको pi.key आप देखें ctrl लिखना है, नहीं तो ये क्या होगा, आप जब तक आपका कंप्यूटर शट डाउन नहीं करते हो तब तक ये इस कंट्रोल को प्रेस करके पकड़े रहेगा। आप अगर कुछ काम करने जाओगे, आप अगर कहीं पे सी प्रेस कर रहे हो तो ये कंट्रोल सी प्रेस करेगा, तो ऐसे आपको प्रॉब्लम होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। एंड ये काम आप एक साथ भी कर सकते हो, जैसे समझ लो कि हमें टास्क मैनेजर ओपन करना है, तो टास्क मैनेजर का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप, तो हम इसको की डाउन कंट्रोल, की डाउन शिफ्ट, की डाउन एस्केप ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं pi.hot की, देन इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कंट्रोल, देन हम लिख सकते हैं शिफ्ट, देन हम लिख सकते हैं एस्केप PSC। अभी इसको हम अगर हम रन कराएंगे, चलो इसको हम देख सकते हो, ये टास्क मैनेजर ओपन करके दिया है मुझे, तो चलो इससे हम एक छोटा सा प्रोग्राम रन कराते हैं कि जार्विस की छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं कि जब हम इसको रन करेंगे, मतलब हम ये तो क्वेरी देकर सेटिस्फाइड करा ही सकते हैं कि जार्विस ओपन नोटपैड एंड राइट माय चैनल्स नेम,
हम ऐसे लिख के ये प्रोग्राम को सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे बस प्रोग्राम बना रहे हैं। हम जब भी विन बटन प्रेस करते हैं तो ये सर्च बार ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो ये सर्च बार में लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आके टाइप होगा कि नोटपैड, देन नोटपैड, देन इंटरफेस होगा, नोटपैड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टाइप होगा हाउ टू मैनुअल, ये मेरे चैनल का नाम यहाँ पे टाइप होगा। तो ये हम पाई ऑटो जीयू की मदद से करेंगे। इसको डोंट सेव कर देते हैं। चलो तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि पीआई डॉट प्रेस विन, विंडोज की प्रेस होगा, ठीक है। अभी हम लिखेंगे पीआई डॉट टाइपराइट। टाइपराइट क्या होता है? टाइपराइट एक फंक्शन है जिससे हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज टाइप हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कि नोटपैड, एंड इसको थोड़ा सा धीरे धीरे टाइप कराएंगे, तो हम एक सेकंड लिख दिया कि हम एक सेकंड तक ये टाइप होगा धीरे धीरे, ठीक है। और हाँ, इसके बाद थोड़ा सा स्लिप दे देते हैं कि विन प्रेस करते ही अगर हमारा विंडोज नहीं ओपन होगा तो ये तो इसका काम करता रहेगा ना। थोड़ा सा सॉरी टाइम डॉट स्लिप, देन एक सेकंड दे देते हैं। अभी ये नोटपैड लिख, ओ सॉरी ये कहाँ से आ गया, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटरप्रेस करवाएंगे। हम इंटरप्रेस करवा रहे हैं, दिन क्या होगा फिर से थोड़ा सा वेट करेगा ये, क्योंकि नोटपैड ओपन होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। दो सेकंड वेट करवा देते हैं, देन ये क्या करेगा, ये टाइप करेगा फिर से ठीक है, ये टाइप करेगा। तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। बहुत ही धीरे करवा दिया इसको, ये बहुत धीरे धीरे टाइप हो रहा है, दिन ही ओपन हो गया। चलो ये हाउ टू मैनुअल बहुत फास्ट टाइप हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम नहीं दिया है। मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ कि ये 0.1 सेकंड में टाइप हो, और ये भी हम दे देते हैं कि 0.1 सेकंड में। अभी हम देखते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं एंड इसको हम रन करके देखते हैं। ओपन हुआ नोटपैड, बहुत जल्दी टाइप हो गया। एंड यहाँ पे चलो इसे तो मैं जार्विस के अंदर इम्प्लीमेंट करवाया था पहले, इसके हो गया मेरा 6 का हो गया। हाँ इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ड्रैग विजुअल स्टूडियो के अंदर भी मैंने ये रन करवाया था। एंड ओपन नोटपैड एंड राइट माय चैनल्स नेम, ये जो था यहाँ पे भी मैंने यही करवाया था। मैंने हॉटकी का यूज़ किया था। यहाँ पे आप ऐसे प्रेस भी कर सकते हो। यहाँ पे हॉटकी यूज़ करने का ज़रूरत था नहीं, फिर भी मैंने यूज़ किया, कोई बात नहीं, काम तो चल जाता है। तो हॉटकी, देन यहाँ पे विन प्रेस होगा, देन नोटपैड लिखेगा एंटर, देन ये लिखेगा, एंड इंटरवल मैंने दिया था 0.1। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कीबोर्ड एंड माउस का जो यूज़ है इसको कंबाइन करके कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिले।